हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ साउंड एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 पहले वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंपल सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी हैव टू चेक करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? चेक बोलेंगे तो हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर चेक करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड. मीन्स दो चीज़ का हमको रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर. और देखेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करें तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड में इफेक्ट होता है कि नहीं, ये आज का हमारा क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर एजम्पशंस कर रहे हैं क्योंकि हमको रिलेट करना है वेलोसिटी और टेम्परेचर दो चीज़ों. कैसे मालूम पड़ा किसको रिलेट करना है? देखो क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड को आपको रिलेट करना है टेम्परेचर से, और देखना है कि क्या कुछ रिलेशन पॉसिबल है, और अगर रिलेशन पॉसिबल है तो कैसा है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ता है कि कम होता है, सब चेक करना है डायरेक्टली, इन्वर्सली सब कुछ. ओके, तो सबसे पहले हमने अजम्पशन ये किया है कि दो अलग अलग वेलोसिटी हमने लिया क्योंकि दो अलग अलग टेम्परेचर है. मीन्स दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वेलोसिटी, राइट? देखो, तो दो जो अलग अलग टेम्परेचर मैंने एज्यूम किया, दैट इज टी नॉट एंड टी, राइट? दो टेम्परेचर हैं, एक है टी नॉट लिया और दूसरा मैंने टी लिया, राइट? टी नॉट टेम्परेचर पे जो साउंड का वेलोसिटी है वो है वी नॉट, राइट? और टी टेम्परेचर पे जो साउंड का वेलोसिटी वो है वी, राइट? दो दो अलग अलग केस है, केस वन केस टू, ऐसा एज्यूम रखो. केस वन केस टू, केस वन पे, केस वन में जो साउंड जो मीडियम से ट्रैवल हो रहा है वो मीडियम का डेंसिटी रो नॉट है. देखो यहाँ पे लिखा है, देखो रो नॉट, राइट? तीन पैरामीटर बताऊंगा फिर से एक बार, जरा ध्यान देना. केस वन एंड केस टू, केस वन में जब साउंड मीडियम से जब ट्रैवल करेगा तो उस मीडियम का डेंसिटी है रो नॉट, राइट? साउंड जो फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल हो रहा है उसका टेम्परेचर है टी नॉट. साउंड जो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो वेलोसिटी है वी नॉट, राइट? एकदम क्लियर. आगे बढ़ते हैं केस टू में. केस टू में सेम अलग कुछ अलग साउंड, राइट? साउंड अब एक अलग मीडियम से ट्रैवल कर रहा है. अगर मीडियम चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होगा, टेम्परेचर भी अलग है, राइट? सेकेंड मीडियम का जो डेंसिटी है दैट इज रो, राइट? सेकेंड मीडियम का जो टेम्परेचर है दैट इज टी. सेकेंड मीडियम में जो साउंड जो वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है दैट इज वी. देखो दो अलग अलग चीज, एक नॉट वाला चीज है, नीचे जीरो लिखा है इसका मतलब इसको बोलते हैं रो नॉट, राइट? टी नॉट, वी नॉट, वी जीरो बोलोगे, टी जीरो बोलोगे आप, या फिर रो जीरो बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन नॉट ज्यादा बेटर, राइट? ठीक है, तो मैंने दो अलग अलग केस लिया है और वो दो अलग अलग केसेस में अभी मैं वेलोसिटी निकालना स्टार्ट करता हूँ. देखो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ साउंड, थोड़ा सा मैं एक रफ करके बता दूं जो साउंड का बेसिक, चलो यहीं पे कर देता हूँ. सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो. याद है, अगर आपको याद होगा लैपलेस करेक्शन में हमने पढ़ा है, वी जो है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, और रो को लिखा जाए, रो मीन्स डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम. तो जो नीचे जो डेंसिटी था उसको मैंने लिखा मास बाय वॉल्यूम. याद है मैंने क्या बताया था, गामा पी बाय रो, याद है? मतलब ऊपर पी था हमारे पास और नीचे जो रो था, रो मीन्स डेंसिटी, उसको मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम. मास एज इट इज, जो नीचे का वॉल्यूम था ऊपर चलेगा. एक बात मैंने आइडियल गैस इक्वेशन सिखाते हुए सिखाया था, राइट? ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में, लेक्चर नंबर थ्री में आई थिंक मैंने सिखाया था कि पी वी को हम कैसे तो लिखा जा सकता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से. हम पी वी को लिख सकते हैं एन आर टी, राइट? ऐसा किया है हमने. तो अगर मैं एन के जगह पे समझो वन मोल लूँ, एन का वैल्यू वन ले लूँ, तो ये तो बेसिक चीज़ें आना चाहिए वैसे सबको. सिंस आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी वी का आंसर होता है एन आर टी. मैंने सब कुछ बताया था उस दिन जब मैं लेक्चर नंबर थ्री सिखा रहा था, तो उसमें हर सब पैरामीटर के बारे में बताया था. पी मीन्स प्रेशर, वी राइट वॉल्यूम, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स होता है, R को बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर, राइट? तो जो N है, अगर मैं इफ वैल्यू ऑफ N इज वन मोल, चलो N का वैल्यू वन मोल ले लूं, तो N के जगह पे वन लिख दो, तो पी वी का आंसर मिलेगा R इंटू टी, क्योंकि N का वैल्यू तो वन हो गया. तो वही सेम लॉजिक मैंने उस दिन अप्लाई किया था, मैंने पी वी के जगह पे वैसे एन आर टी लिखा था, राइट? आर टी लिखोगे तो भी चलेगा. तो जो मेरा ये V का फॉर्मूला है, जो फाइनल फॉर्मूला V का बनता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा एज इट इज होगा, नीचे का जो कैपिटल एम है वो भी एज इट इज रहने वाला है, सिर्फ पी इंटू वी के जगह पे अभी जो आएगा वो होगा आर इंटू टी, राइट? कैपिटल आर इंटू टी. ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हुआ, ये बेसिक फॉर्मूला, राइट? अभी बेसिक फॉर्मूले से हमको क्या करना है, दो अलग अलग केसेस के लिए फॉर्मूला बनाना है. अब वैसे देखा जाए तो एक केस इसमें दिख रहा है, लेकिन ठीक है, चलो दो अलग अलग केसेस के लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी. तो अगर समझो इससे मुझे केस वन चाहिए, केस वन का अगर मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, बाद में हम लोग केस टू का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट? पहले केस वन डिराइव करते हैं. केस वन मैंने क्या बताया, केस वन मीन्स फर्स्ट
केस, फर्स्ट केस में मीडियम में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसका वेलोसिटी वी नॉट है, राइट, उसका वेलोसिटी वी नहीं है, उसका वेलोसिटी वी नॉट है। सेकेंड मीडियम में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, उसका वेलोसिटी तो वी है, राइट ना। देखो मैं यही फॉर्मूला को दो अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग केसेस है मेरे पास, राइट। अंडर रूट तो दोनों में सेम आने वाला है, अंडर रूट यहाँ भी आएगा, अंडर रूट यहाँ भी आने वाला है, अंडर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आगे हाँ देखो क्या क्या अलग है, वेलोसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है, डेंसिटी अलग है, लेकिन ये मेन फॉर्मूला में तो डेंसिटी आया ही नहीं। फॉर्मूले में कौन कौन आया है, वेलोसिटी आया है और टेम्परेचर, यही दो चीज तो चेंज हो रहा है। देखो वेलोसिटी चेंज है, टेम्परेचर चेंज, गामा आर एम ये कुछ भी चेंज नहीं है, राइट। तो सिर्फ मैं वहीं पे चेंज कर, देखो गामा आर अपॉन एम ये दोनों में सेम है, इधर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चेंजेस कहाँ पे आएगा, सिर्फ टेम्परेचर में, राइट, क्योंकि देखो दो अलग अलग केस के लिए, वैसे नॉट वाला केस में, नॉट वाले केस में टेम्परेचर टी नॉट है, राइट, और वी वाले केस में टेम्परेचर है तुम्हारा टी, बस सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। दो अलग अलग केस मतलब मैंने किया क्या, मैंने दो अलग अलग केस, एक केस वन जिसमें साउंड का वेलोसिटी वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, उसके लिए फॉर्मूला बनाया, राइट, और एक सेकेंड केस जिसमें साउंड का वेलोसिटी वी है और टेम्परेचर टी है, उसके लिए भी फॉर्मूला बना दिया है। अब करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशंस दो और इक्वेशंस लेके उसको डिवाइड कर लेते, राइट। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर वन, इसको हम इक्वेशन वन कंसीडर करते हैं, एंड लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर टू। ये दो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू कंसीडर, दोनों को डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट ओरली डिवाइड करेंगे, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, अगर चाहिए तो एकदम डिटेल में डिवाइड कर लेना, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग, राइट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा पार्टीशन करके, dividing one and two, one and two को हम divide कर देते हैं, तुम्हारी मर्जी, ऊपर जिसको रखना है उसको वो रखो, मैं v को रखता हूँ, right, ये वाला v को रखता हूँ, v, तो अगर मेरा numerator में LHS में v है और denominator में v not है, तो orally solve करो, या फिर अगर तुमको चाहिए तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, कोई problem नहीं है, तो पूरा डिटेल में एकदम करते हैं कि कौन सा पैरामीटर कैंसिल होता है और कौन सा बच जाता है, सॉरी ऊपर हमको लिखना है v, right, और नीचे v not, वैसे कैसे भी लिखोगे चलेगा, ऊपर v लिखना है और नीचे लिखेंगे हम v नॉट, चलो v का वैल्यू तो हमारे वैसे देखा जाए तो दोनों में रूट है, राइट, तो मैं एक साथ होल रूट लिखने वाला हूँ, ऐसा होल रूट, राइट, एक साथ, ओके, v नॉट पहले v का आंसर हमको पुट करना पड़ेगा, v का जो आंसर दैट इज गामा आर टी बाय एम द होल अपॉन v नॉट का आंसर, v नॉट के सामने गामा आर टी नॉट बाय एम, देखो क्लियर मालूम पड़ता है कि बहुत सारा पैरामीटर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो गामा गामा कैंसिल, आर आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, सिर्फ एक ही चीज बचने वाला है, वो है टी और नीचे टी नॉट, राइट। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, अभी इतना कुछ करने के, तो वैसे ये ओरली कर सकते थे हमको, ठीक है, चलो वी अपॉन वी नॉट का हमको आंसर मिला है, वैल्यू ऑफ वी अपॉन वी नॉट इज अंडर रूट, देखो अभी भी हमारे पास अंडर रूट गया नहीं, बाकी सब गामा गामा कैंसिल, आर आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, सिर्फ एक ही चीज बचा है हमारे पास, एक मीन्स टेम्परेचर बचा है, बोले सर दो दिख रहा है, टेम्परेचर तो है दोनों, राइट, तो वी के सामने जो टेम्परेचर है दैट इज टी, और वी नॉट के सामने जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट। इसका क्लियर सा मतलब ये होता है, देखो ये जो मैंने बनाया है ये बेसिक फॉर्मूला है तुम्हारा, जब भी कोई दो कोई भी आपको साउंड दिया है दो अलग अलग मीडियम में और वो दो अलग अलग मीडियम का आपको टेम्परेचर भी दिया है, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला हमको यूज करना, न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत बार यूज होने वाला है। इससे एक बात मालूम पड़ता है, देखो अब दो दो केस मत देखो, अब एक केस देखेंगे तो भी समझ में आता है, वेलोसिटी वी जो है वो इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट, और इसको एक्चुअल में बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल ये इक्वेशन से एक स्टेटमेंट हमको मालूम पड़ता है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल, देखो स्टेटमेंट ऐसा है, द इक्वेशन को मैंने लिखा भी है और मैं बोल भी देता हूँ एक बार, द इक्वेशन शोज दैट, हमको ये इक्वेशन एक मतलब बताता है, द इक्वेशन शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलो, स्पीड ऑफ साउंड बोलो, चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ये है ना स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फिर से सुनो, वैसे कैसे बनाया मैंने स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला को देख के बना दिया, राइट, बहुत सिंपल सा है कि वेलोसिटी, देखो वी के सामने टी आया, वी नॉट के सामने टी नॉट आया, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, सामने सामने मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल, ओके, तो पॉइंट एकदम क्लियर है, द फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, या फिर आप बोल सकते हो इट शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर टी यहाँ पे जो दिया, राइट, सिंपल सा स्टेटमेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक आपको पॉइंट नंबर टू भी एकदम क्लियर समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो इससे एक बात समझ में आता है, डायरेक्ट देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉजिक क्या, पहले सुनो, देखो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसा मैं अज्यूम करते हैं, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी
और मैं बी को इंक्रीज करूं तो ऑब्वियस है कि ए भी इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। एक बड़ा दूसरा ही बढ़ जाएगा, सेम लॉजिक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा भी, राइट। तो देखो नीचे लिखा भी है द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, स्पीड बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा? स्पीड तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओ आपको साउंड का स्पीड इंक्रीज होकर मिलेगा, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट भी एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलो इतना सा ही डेरिवेशन है, आगे भी बहुत कुछ है, राइट। ये तो सिंपल सा बेसिक किया हमने यहाँ पे। अच्छा अब हम लोग कुछ यहाँ पर एज्यूम करते हैं। टी नॉट का एक वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ। टी नॉट का वैल्यू मैंने एज्यूम किया है 273 केल्विन, राइट। केल्विन के बारे में अगर नहीं पता होगा तो बता दूँ, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, राइट। हर एक चीज़ का यूनिट होता है। सेम वैसे ही टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, पढ़ा रहेगा एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, राइट। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, राइट। डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, बात को क्लियर समझो। तो मैंने क्या एज्यूम किया है, मैंने टी नॉट का एक वैल्यू एज्यूम किया है जो है 273 केल्विन। अच्छा बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ेगा केल्विन डिग्री सेल्सियस, उसका एक शॉर्टकट है, सुनो। देखो अगर तुमको समझो बोला है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर बोला है 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन, अगर तुमको कोई पूछे तो बहुत सिंपल सा आंसर है। कैसे इसका आंसर निकालेंगे केल्विन में, जो भी टेम्परेचर है इसको प्लस कर दो 273 से और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा कितना आएगा, 273 आएगा, तो ये आंसर केल्विन में मिल जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट 273 से उसको प्लस कर दो और जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आंसर आएगा। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में ऐसा यूज करते हैं। जो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर कट टू कट जो आंसर होता है वो होता है, आपको एक्चुअल में प्लस करना पड़ता है 273.15, राइट। ये प्लस करें तो एग्जैक्ट आंसर आता है 273.15, ये नंबर, राइट। लेकिन बहुत बार हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये प्लस कर लेते हैं तो उससे कैसे थोड़ा आंसर इजी होता है, पॉइंट नहीं आता इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। चलो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, हमेशा केल्विन में सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया है 273 केल्विन, राइट। मैंने क्या एज्यूम किया है, अब बोलेंगे सर 273 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, अभी तो जस्ट आंसर निकाला था 273 केल्विन मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट ना, सिंपल है। अरे देखो अभी तो बताया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या प्लस करेंगे हम लोग, 273, 0 + 273 कितना आएगा 273, देखो 273 केल्विन लिखा है। तो उल्टा भी पॉसिबल है, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन आना है तो 273 प्लस करो, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है 273 माइनस करो, 273 माइनस 273 कितना 0 डिग्री सेल्सियस, सेम। तो मैंने टेम्परेचर केल्विन में एज्यूम किया है कितना 273 केल्विन, लेकिन मालूम होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में कितना, राइट। तो हमको मालूम तो पड़ेगा, इसका यूज तो नहीं, जिसके लिए जस्ट बता दिया ऐसा, ओके। हाँ तो ये जो टेम्परेचर है टी नॉट वो हमारे लिए कितना है, मैंने एज्यूम किया है, देखो यहाँ पे लिखा इफ, राइट। इफ टी नॉट का वैल्यू कितना है 273 केल्विन, तो जो टी रहेगा, टी मीन्स ये एक सेकेंड मीडियम का, सेकेंड मीडियम से का टेम्परेचर, राइट। तो वो टेम्परेचर क्या है, वो तो ऑब्वियस है कि इससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जीरो तो सबसे लो टेम्परेचर हमारे लिए ना, पॉजिटिव वाले पार्ट में ऐसा। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर लिया मतलब 273 प्लस कुछ, तो ये टी क्या रहेगा, ये कुछ तो छोटा सा टेम्परेचर रहेगा जो मैंने ओरिजिनल टेम्परेचर प्लस किया और एक नया टेम्परेचर बढ़ा दिया ऐसा। तो मैंने दो टाइप का टेम्परेचर यहाँ पे एज्यूम किया है, एक है 273 केल्विन और दूसरा क्या है 273 प्लस टी, राइट, स्मॉल टी। अच्छा चलो, तो ये दो वैल्यू जो मैंने एज्यूम किया है, चलो इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करते देखते हैं आंसर क्या आता, राइट। तो सिंस हमको ऑलरेडी मालूम है, वी कैन राइट वी बाय वी नॉट एज अंडर रूट ऑफ टी बाय टी नॉट। टी का आंसर चेक करो, कैपिटल टी का आंसर इधर है, कैपिटल टी का आंसर है 273 प्लस स्मॉल टी। ये क्या, देखो सब चीजें मैथमेटिक्स है, अगर मैथ्स है तो फिजिक्स अपने आप आ जाएगा, राइट। तो कैपिटल टी का आंसर मैंने पुट कर दिया है अपॉन, उसके बाद टी नॉट का भी आंसर हमको चाहिए, चेक करो टी नॉट का आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा है, टी नॉट का आंसर है 273, राइट। यूनिट कभी नहीं लिखना है, केल्विन वगैरह लिखने मत जाना इसमें, यूनिट कभी लिख के सॉल्व नहीं करते, राइट, ऐसा। अब बेसिक मैथ तो आता ही रहेगा, ये 273 मैं दोनों के पास देता हूं ऐसा, तो आई विल गेट अंडर रूट ऑफ 273 अपॉन 273 प्लस टी अपॉन 270, समझ में आ गया रहेगा मैंने क्या किया है, मैंने ये 273 एक बार ये 273 के नीचे दिया और एक बार ये टी के नीचे, ऐसा दे सकते हैं, अगर बीच में प्लस या फिर माइनस साइन है तो ऐसा किया जा सकता है, राइट, ओके। चलो तो ये तो ऑब्वियस है कि तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 + t / 273, राइट। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, सुनो, सो वी कैन राइट वी बाय वी नॉट एज अंडर रूट, अभी भी है हमारे पास, राइट, 273 अपॉन कोई भी नंबर को उसके नंबर से डिवाइड किए सेम, तो आंसर कट करके 1 आ जाता, राइट।
सो विल गेट 1 प्लस ये जो t बाय 273, देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 1/273 × t चलेगा ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ही है, भी राइट ही है, कोई रॉन्ग नहीं है। t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर t आएगा और नीचे 273 रहेगा, देखो t अपॉन 273 तो था। ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन, देखो रीजन क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ एजम्पशन करने वाले हैं। लेट हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, अल्फा एक वैल्यू लेते हैं, हम अल्फा को कुछ एज्यूम करते हैं कॉन्स्टेंट, देखो अल्फा हम एज्यूम करते हैं कि अल्फा जो है वो 1/273 या फिर उल्टा ही बोल सकते हो, 1/273 को हम अल्फा एज्यूम कर लिया, चलो ऐसा राइट। कौन बार बार 1/273 एंड तक लिखे, यहाँ तक हमारा डेरिवेशन इतना बड़ा थोड़ी हम लिखते बैठेंगे 1/273 1/273। तो हमने क्या कर दिया, पहले हम लोग ने एज्यूम कर दिया दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/273। अब 1/273 नहीं लिखना है हमको, अब 1/273 की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा राइट, सिंपल। तो फटाफट लिखते एकदम इजी इजी चीज राइट। तो सो वी कैन राइट वी बाय वी नॉट एज अंडर रूट ऑफ, क्या मिलेगा हमको आंसर, 1 तो एज इट इज है, प्लस बी एज इट इज है, दिस 1/273 कैन बी रिटन एज अल्फा। तो यहां पे आ जाएगा अल्फा और ये टी में कुछ किया ही नहीं मैंने, एज इट इज सिंपल राइट। तो वी बाय वी नॉट का आंसर हमको क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी, और टी स्मॉल टी याद रखना क्योंकि टी बहुत बार आएगा, कैपिटल टी भी आने वाला है, स्मॉल टी नॉट भी है, सॉरी कैपिटल टी नॉट भी है, तो प्रॉपरली देखेंगे ओके। तो अभी तक तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पर रेडी है, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, वी बाय वी नॉट है ना, अंडर रूट में हमारे पास क्या है, 1 प्लस अल्फा टी। देखो यहां पे एक थोड़ा मैथमेटिक्स, ये जो ये सब डेरिवेशंस राइट, इसको डेरिवेशंस बोलते हैं हम फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो एक काम करते हैं, वी का आंसर निकालते हैं, अगर मुझे वी का आंसर निकालना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो नीचे जो वी नॉट है उसको ऊपर भेज दो, सिंपल ओके। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी एस, वी का अगर आपको आंसर निकालना है तो वी नॉट अब यहां पे आ जाए क्योंकि वी नॉट डिनोमिनेटर में था, यहां आएगा तो न्यूमरेटर में, वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी राइट है, सिंपल किया एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं राइट, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। अब क्या करते हैं, एक बात जरा समझो, शायद इतना मैथमेटिक्स तुमको आता रहेगा ऑलरेडी, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग राइट। रूट एक्स इसको याद है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर पावर 1/2 का होता है राइट, ये रूट हट जाए तो पावर 1/2 का आता है। एक और लॉजिक सिखा दूं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, अगर मुझे क्यूब रूट हटाना है तो तुमको लिखना पड़ेगा एक्स रेज टू 1/3 राइट, ऐसा बहुत सारा होता है। फोर्थ रूट रहता है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स रेज टू 1/4। हमारे पास क्या है, ऐसा टू लिखते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कि वो स्क्वायर रूट ही है राइट। तो स्क्वायर रूट को हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स वो एलिमेंट रेज टू हाफ, बोलने का सिंपल मतलब है अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो रेज टू क्या आएगा, हाफ। वही करते हैं यहाँ पे, चलो हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे इसको हटाते हैं यहाँ से, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ वी एज v नॉट इंटू 1 + α t द होल रेज टू हाफ। अब ऐसा नहीं कि v नॉट को पकड़ के रेज टू हाफ, ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट किसके पास था, स्क्वायर रूट तो सिर्फ इतने पार्ट के पास था ना, तो इतने पार्ट के ऊपर ही हाफ आना चाहिए, सिंपल लॉजिक। अच्छा अब थोड़ा और यहाँ पे मैथमेटिक्स सिखाऊं मैं तुमको, देखो क्योंकि मैथ्स अगर आएगा तो ही फिजिक्स आ सकता है। देखो एक सिंपल सा बेस, वैसे तो आज तक तुमने कभी सीखा ही नहीं कि a प्लस बी द होल रेज टू हाफ क्या रहता है, लेकिन a प्लस बी द होल स्क्वायर तो सीखा है राइट ना, ये तो हमको आता ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ये हमको मालूम है, ये मालूम है। देखो इसमें ना एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है, देखो क्या लॉजिक है सुनो, अगर सोचो अगर समझो ऐसा कुछ हुआ कि ये जो b वाला पार्ट है राइट, ये b वाला पार्ट है, ये b वाला पार्ट का आंसर बहुत छोटा है, b इज मच लेस राइट, मच लेस बहुत ज्यादा कम है। अगर b का आंसर बहुत कम है तो b का आंसर बहुत कम का मतलब क्या, चलो इसका मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, चलो एज्यूम करते हैं b का वैल्यू है 1/10, सिर्फ ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, 1/10। जबकि देखो हमारे लिए b मीन्स मैंने क्या लिया, b मीन्स मेरे लिए सेकेंड पार्ट, प्लस के बाद जो आता है, देखो यहाँ पे प्लस के बाद ये b जैसा काम करेगा राइट ऐसा। तो जैसा मैं देखो एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, मैं अल्फा को इस बी से रिलेट कर रहा हूँ, पहले अल्फा छोड़ो पहले बी पे ध्यान दो राइट, वो अल्फा पे रिटर्न आएंगे हम लोग। मैंने क्या बताया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b + b², ये पढ़ा है हम लोग ने 10th में। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये कि इफ अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बी बहुत छोटा है, अगर बी का वैल्यू बहुत कम है, ऐसे इसको लेस देन का साइन बोलते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा लेस देन, इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम लोग ने ऐसा एज्यूम किया कि b का चलो वैल्यू लेते हैं 1/10, 1/10 मतलब कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 0.1 राइट ना, चलो b का वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। सोचो अगर b का वैल्यू 0.1 है तो इधर चलो इधर मैंने 0.1 चलो b के पे 0.1 डाल दिया, तो यहां तो ठीक है क्योंकि 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0.2 जो ओरिजिनल नंबर से तो बड़ा आता है राइट ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहां पे 0.1 डालूंगा ना, 0.1 का स्क्वायर करो तुमको आंसर मिलेगा 0.01,
करके देख लो, 0.1 का स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो ओरिजिनल बी था उससे भी छोटा आंसर आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? देखो ना, बी का मैंने आंसर क्या लिया था, बी का आंसर 0.1, जबकि 1/10 सिर्फ 10 लिया है, 1/10 बड़ा नंबर नहीं है। हमारे पास अल्फा का आंसर देखो 1/10 क्या है, 1/273 ऐसा है, जबकि मैंने सिंपल बी का, मेरे को पहले बता दिया मैंने बी को मुझे अल्फा से रिलेट करना है, इसके लिए समझा रहा हूँ, बी का आंसर सिर्फ मैंने 1/10 लिया है ऐसा, तो भी क्या हुआ 0.01 आया। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 1/273 वाला कोई पार्ट लूँ तो 1/273 कितना छोटा वैल्यू आएगा, और उस देखो सिंपल मैथ्स क्या बोलता है, कोई भी छोटा वैल्यू, कोई भी जीरो, 0.1 में कोई भी वैल्यू लो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो आंसर और छोटा हो जाएगा। करके देख लो, ऐसा बहुत सारे नंबर है हमारे पास, सिर्फ 1/4, 1/10 नहीं, ऐसा बहुत सारे नंबर है। कोई भी फ्रैक्शन का नंबर है और वो 0.1 में आता है, और वो 0.1 का नंबर का तुम स्क्वायर करोगे छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे ना और छोटा। सोचो अगर मैं b क्यूब निकालूं मालूम है कितना आंसर आएगा, 0.001, ये और छोटा हो गया। मतलब बोलने का मेरा मतलब यही है, कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर आपने अज्यूम किया है, तो उसका जो हायर पावर है, हायर पावर जैसे कि बी स्क्वायर, बी क्यूब, राइट, हायर पावर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। नेगलेक्ट का मतलब क्या है, अगर मैं उसको ना भी लिखूं, तो भी मेरे फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात हमेशा माइंड में फिट कर रहे हो, फिजिक्स का एक बेसिक सा रूल है, कोई भी चीज जिसका आंसर फ्रैक्शन में है और छोटा, बहुत छोटा आंसर है, तो उसका हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है नेगलेक्ट, राइट। हायर पावर मतलब क्या होगा बोलेंगे सर, हायर पावर मतलब क्या, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर, ये हायर पावर हो गया, टू से स्टार्ट होता है हायर पावर, राइट। तो अब सोचो जब, और एक बात और, एक और चीज यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया रहेगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब भी मैं इसका ये इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें स्टार्टिंग का दो टर्म ही मैंने रखने वाला हूँ, राइट, और जो थर्ड टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट, क्या बोलते हैं हम, नेगलेक्ट, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं उसको रखे और छोटा आंसर आ रहा है, राइट, ऐसा। अच्छा, ये सेकेंड टर्म अगर ध्यान देंगे ना, यहाँ जो नंबर है देखो, यहाँ भी वही नंबर आया, समझ में आ रहा, पैटर्न है, सब जो मैथ्स में पैटर्न चलता है, राइट, ऐसा है। तो अगर टू है तो टू आया तो हाफ है, तो क्या आएगा, हाफ आएगा, चलो वही करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। So we can write this V as V naught, इसको नहीं सॉल्व कर रहा मैं, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। V naught को मैंने as it is रखा है, चलो इसको एक्सपांड करते हैं। A plus, देखो 1 plus alpha t the whole raised to half हमको नहीं आता, लेकिन हमको मैथ्स का पैटर्न समझ में तो आता है, तो इस पैटर्न के हिसाब से जाएंगे। पैटर्न क्या बोलता है, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, पहला नंबर मेरे पास क्या है, 1 का स्क्वायर हमारे लिए तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर तो, राइट। फिर उसके बाद प्लस लिखना पड़ता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं, ये नंबर कौन सा नंबर होता है, जो पावर में नंबर होता है वही तो नंबर है, पावर में हमारे पास हाफ है, तो मैं यहाँ पे हाफ लिखता हूँ। और क्या करते हैं, और ए मीन्स फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1 ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो देखो मैं पैटर्न के हिसाब जा रहा हूँ, 1 लिखा। फिर बी मीन्स सेकेंड क्या हमारे पास, सेकेंड में तो दो चीज आता है, क्या क्या आता है, अल्फा आता है, टी आता है। इसके बाद जो आएगा वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, रीजन मेरे को पहले से मालूम, बता दिया मैंने पहले से, राइट। हमारे टेक्स्ट बुक में समझाया नहीं कि वो आया कहाँ से, राइट, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, कोई भी फ्रैक्शन वाले पार्ट का हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेगलेक्ट, राइट। तो ये हमारा आंसर है। चलो हाफ इंटू 1 कितना, ये तो ऑब्वियस है, ये क्या लिखने का, हाफ इंटू 1 तो हाफ होता है, राइट, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बार बार इतना बड़ा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस आंसर कितना है, 1 प्लस हाफ अल्फा टी, राइट। बात समझ में आया कैसा है ये, अच्छा 1 प्लस हाफ अल्फा टी कहाँ से आया, समझ में आ गया रहेगा सबको, मैंने पैटर्न से सिखाया यहाँ से, ये पैटर्न से बता दिया, ओके। अब क्या करते हैं, अब चलो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करने स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा है कि चलो ये V नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करते, देखते क्या होता है। पहले V नॉट आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने वाला है, फिर V नॉट आके सेकंड ये वाले टर्म से पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V एज V नॉट इंटू 1 V नॉट प्लस V नॉट इंटू दिस पार्ट क्या आएगा, V नॉट अपॉन 2 इंटू अल्फा इंटू टी। सिंपल मैथ से ये तो, राइट। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमको अल्फा का वैल्यू मालूम है, वैसे तो कहाँ गया अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू है 1/273, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 1/273, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो इसके आगे करते हैं, तो ये वी नॉट एज इट इज प्लस ये वी नॉट बी एज इट इज, ये नीचे का 2 एज इट इज, अल्फा के जगह पे क्या लिखना है हमको, 1/273, राइट। और 1 थोड़ी लिखेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि 1/273 मतलब 1 को V नॉट से मल्टीप्लाई करो तो V नॉट आ जाएगा, और ये T को एज इट लिखना है तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आएगा लास्ट में घूम फिर के। हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो आई थिंक हम लोग 273 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा शायद 546, राइट ना, करेक्ट है ना। 273 को अगर हमें मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से
546 आंसर राइट आता राइट. सो वी कैन राइट दिस वैल्यू ऑफ वी एज वी नॉट, ये एज इट इज हमारे पास है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है वी नॉट एज इट इज टी बी एज इट इज अपॉन कितना है 546 ना 546 एज इट इज. और टी को भी एज इट इज लिखा, मतलब किया क्या मैंने, मैंने सिर्फ ये दो नंबर को मल्टीप्लाई तो किया और क्या किया भाई, बाकी तो एज इट इज है. अच्छा हाँ एक बात बता दूं, ऑलरेडी हम लोग ने लैपलेस करेक्शन देखा है, लैपलेस करेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला था ऑलमोस्ट इतना ही था, याद है 332.3 ऑलमोस्ट ऐसा कुछ था. तो मैंने सिंपल सा लिया है 0°C में हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड. चलो वी नॉट है ना, वी नॉट का वैल्यू पुट करते उधर, देखते हैं आंसर क्या आता है. तो जैसे ही मैं वी नॉट का वैल्यू पुट कर, देखो अब बोलेंगे सर वी नॉट का वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे कर, देखो जहां जहां वी नॉट देखिएगा वहां वहां पुट करेंगे, लेकिन नहीं ऐसा मत करो. एक टाइम पे देखो मैं क्या करता हूं, वी का वैल्यू होगा इक्वल टू वी नॉट प्लस, ये वी नॉट के जगह पे मैं 332 लिखता हूं, ये वी नॉट के जगह पे लिखने का जरूरत नहीं है, रीजन बताता हूं. देखो वी नॉट के जगह पे अगर मैंने 332 लिखा अपॉन 546 एज इट इज है इनटू टी है, मैंने ये वी नॉट के जगह पे वैल्यू 332 क्यों नहीं डाला उसका रीजन है बताता हूं. देखो पहले काम करते इसको डिवाइड कर लो, चलो 332 को जब 546 से डिवाइड करो ना ऑलमोस्ट आपका जो आंसर होगा वो होगा 0.61 और इनटू टी, इसको डिवाइड करके देख लो राइट, इसको डिवाइड करके देख लो तुमको इतना ही आंसर मिलेगा 0.61 ही आंसर मिलेगा. अब यहां से एक मालूम पड़ता है, यहां से एक बात मालूम पड़ता है, सुनो ये जो इक्वेशन मिला ये बहुत ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, कम मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा. देखो यहां से बहुत बड़ा लॉजिक समझ में आता है, मैंने ये वी नॉट क्यों नहीं डाला उसका रीजन, देखो दो अलग अलग साउंड का वेलोसिटी है हमारे पास, एक वी नॉट है और एक वी है राइट, वी नॉट वी. अगर मैं ये वी नॉट के जगह पे भी 332 डाल देता तो मेरे को V का आंसर क्या मिलता है 332 प्लस 0.61t, मतलब मैं दो अलग अलग वेलोसिटी को कंपेयर कर ही नहीं सकता था. अगर मैं सोचो ना अगर मैं V नॉट के जगह पे भी 332 पुट कर दूं तो RHS में कहीं V नॉट तुमको दिखाई देगा नहीं, लेकिन V तो है, तो अगर V है तो V नॉट को भी साथ में रखो ना, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग यहां से, और उससे एक मैथमेटिक्स देखो एक स्टेटमेंट बन सकता है. तो इसके लिए मैंने V नॉट को एज इट इज रखा. देखो यहां से बात क्या समझ में आता है, एक बार साउंड का स्पीड है V नॉट और एक बार साउंड का स्पीड है V राइट. जब V नॉट साउंड का स्पीड है और जब V साउंड का स्पीड है तो एक काम करते हैं, देखो लॉजिक ऐसा है कि हम लोग हमारे लिए क्या है V नॉट ज्यादा है कि V ज्यादा है, V ज्यादा है ऑब्वियस ना, V ज्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है साउंड का स्पीड बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ाऊ तो. V नॉट तो हम लोग ने कम ही अज्यूम किया, देखो V नॉट सिर्फ V नॉट मतलब क्या है, ये टेम्परेचर पे देखो टेम्परेचर 273 है या ये टेम्परेचर बढ़ा है कि ये वाला टेम्परेचर बढ़ा है, टी वाला टेम्परेचर, जिधर टेम्परेचर बढ़ा जिधर टेम्परेचर बढ़ा उधर वेलोसिटी बढ़ा रहेगा ना, मतलब ऑब्वियस है कि ये V वाला वेलोसिटी ज्यादा है और ये V नॉट वाला वेलोसिटी कम है. अच्छा यहां से क्या समझ में आता है वो एक फटाफट शॉर्ट में बता देता हूं, इतना समझ में आ गया है कि V नॉट कम है V ज्यादा है राइट. अच्छा V नॉट जब भी कम है और जब V ज्यादा है तो अगर मैं जो मीडियम है उसका टेम्परेचर सिर्फ 1°C से इंक्रीज करूं, देखो अगर मैं ये मालूम है क्या था T, ये छोटा सा एक टेम्परेचर था ना बताया था मैंने स्मॉल टेम्परेचर, अगर मैं सिर्फ T के जगह पे 1°C डाल दूं 1°C राइट, अगर मैं मीडियम जो V नॉट था और जो V स्पीड था राइट ऐसा, अगर मैं मीडियम का टेम्परेचर सिर्फ 1°C से बढ़ाता हूँ, 1°C से अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब ये टी के जगह पे अगर समझो मैंने 1 डाल दिया राइट, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा उसमें ओरिजिनल वेलोसिटी तो है प्लस एक्स्ट्रा कितना वेलोसिटी आ गया है 0.61 टी नहीं, देखो क्या बता रहा हूं मैं ऐसा बता रहा हूं कि अगर मैं इफ अगर मैं टी का वैल्यू 1°C लेता हूं, टी का वैल्यू 1°C का मतलब है, मतलब देखो सुनो क्या, एक बार टेम्परेचर 273 है पहला मीडियम का, सेकेंड मीडियम का टेम्परेचर 273 प्लस कुछ टेम्परेचर है राइट, 273 प्लस कुछ टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे ऐसा, जब 273 प्लस कुछ टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर पे ये देखो ये वाला जो टेम्परेचर है मैं सिर्फ टी का वैल्यू लिया, मैंने टी का वैल्यू कितना एज्यूम कर लिया 1, ये टी के जगह पे 1 पुट कर दो 0.61 इंटू 1 कितना आएगा 0.61, इसका मतलब ये कि जो फाइनल वेलोसिटी मिलता है उसमें ओरिजिनल वेलोसिटी तो है साथ में एक्स्ट्रा कितना वेलोसिटी आ जाता है 0.61. पता है कभी सिर्फ 1°C से अगर टेम्परेचर बढ़ाया ना तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड से राइट. अब बोलेंगे सर ये V नॉट कहाँ गया, अरे V नॉट तो ओरिजिनल वेलोसिटी है ही हमारे पास, टेम्परेचर 1°C बढ़ाया वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड से. अगर सोचो मैं टेम्परेचर 2°C बढ़ाऊँ तो 2°C अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ यहाँ पे T 2 से बढ़ाऊँ तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसको,
0.61 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, उतने से तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊं तो 0.61 इंटू 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो पॉइंट एकदम सिंपल है, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सिर्फ 1 डिग्री से भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं ना, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी बढ़ता है, कितने से बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि टी की जगह तो 1 लिया ना हम लोग ने, राइट। फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकंड, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर एक काम करते हैं ना, छोटा टेम्परेचर है तो 0.61 मीटर पर सेकंड से आपका वेलोसिटी बढ़ा, कब बढ़ा, जब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा। तो एक इसे देखो, ये तो बात, इतना तो पॉइंट समझ में आ चुका है, एक छोटा सा पॉइंट ये भी बाकी है, बता देते। इसका मतलब ये कि अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो थोड़ा ही वेलोसिटी बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। 1 के लिए देखो ना कितना बढ़ रहा है, 0.61, राइट। तो 2 के लिए 0.61 इंटू 2, 3 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना बढ़ेगा, 0.61 इंटू 3 मीटर पर सेकंड। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, वेलोसिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, स्मॉल टेम्परेचर के लिए, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर। तो पॉइंट सुनो, हेंस फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, मैंने क्या बताया 1 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब तो 50 डिग्री सेल्सियस तो कम ही है ना, 1, 2, 3 सब तो कम है, तो वही मैंने बताया। हेंस फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर दैट इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अगर कम से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे टेम्परेचर और जो वेलोसिटी का ग्राफ है ये ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ आता है, राइट। लीनियर मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओ वेलोसिटी बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो कहेंगे हाँ, द स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस लीनियरली विथ, अब मैं अगर आपको बता दूं लीनियरली विथ टेम्परेचर का मतलब क्या रहेगा, देखो ग्राफ सिखा देता हूँ, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, अभी तक तो सिर्फ ग्राफ को 10th तक याद किया रहेगा, अब तुमको ग्राफ को समझना भी है और ग्राफ को पढ़ना भी है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वो क्वांटिटी आता है जो इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि टाइम, सॉरी ये जो है हमारा, हमने दो चीज़ लिया यहाँ पे, क्या क्या लिया, एक वेलोसिटी लिया और एक टेम्परेचर, राइट। वेलोसिटी है और ये हमारा स्मॉल टी, तो टेम्परेचर है, तो दो चीज लिया है, एक टेम्परेचर है और एक वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, राइट। लेकिन टेम्परेचर पे वेलोसिटी डिपेंड करने उल्टा नहीं, राइट। वेलोसिटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओ यहाँ से, टेम्परेचर बढ़ाओ स्पीड बढ़ेगा तुम्हारा, मीन्स वेलोसिटी बढ़ेगा। तो मैंने टेम्परेचर समझो यहाँ पे ले लिया और वेलोसिटी यहाँ पे ले लिया, ऐसा कुछ, राइट। तो मेरे बोलने का मतलब ये, टेम्परेचर अगर कम कम बढ़ता है ना, समझो इतना टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी इतना बढ़ेगा, ऐसा टेम्परेचर समझो, और मतलब 50 से कम रहना चाहिए, राइट। टेम्परेचर और बढ़ाया वेलोसिटी और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ाया वेलोसिटी और बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ रहा है। तो फिर समझो और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया टेम्परेचर ऐसा, तो वेलोसिटी भी और बढ़ जाए। देखो ध्यान देंगे ना, तो अगर मैं ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन है, अगर इस इंटरसेक्शन से लाइन पास करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसी को बोलते हैं लीनियर ग्राफ, लीनियर लाइन है ना, लीनियर मतलब जितना टाइम, जितना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा साउंड का। तो ये जो समझाने के लिए था, ये इसका हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट ये समझाने के लिए यहाँ बता रहा था, ये लीनियरली का मतलब क्या है, लीनियरली का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, राइट। सिंपल लॉजिक एकदम, तो ये भी एकदम क्लियर है हमारे लिए। फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमको क्लियर मालूम पड़ेगा कि वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन कितने से बढ़ेगा, 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वेलोसिटी कितने से बढ़ेगा, 0.61 2, वही सेम लॉजिक है। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वो टाइम पे लीनियर ग्राफ मिलने वाला है। लीनियर का मतलब है कि वेलोसिटी और टेम्परेचर लीनियरली वैरी करेंगे, राइट। सिंपल लॉजिक है। तो एक बार हम लोग फटाफट रिपीट कर देते हैं क्या क्या हम लोग ने अभी यहां पे किया है, जैसे क्या एक बार फुल रिकैप मालूम पड़ जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने दो केसेस अज्यूम किया था, बहुत इजी, ये तो बहुत इजी कांसेप्ट था हमारे लिए, दो केस अज्यूम किया, केस वन केस टू। केस वन में 3 मेन पैरामीटर है, साउंड का वेलोसिटी वी नॉट है, मीडियम का टेम्परेचर टी नॉट है, और एक तीसरा पैरामीटर, एक तो वी नॉट टी नॉट है जो यूज नहीं हुआ बता दूं, राइट। एक जो तीसरा पैरामीटर जो यूज हुआ ही नहीं वो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो क्या लिया था हमने, रो नॉट। वैसे ही सेम केस टू हमने अज्यूम किया, केस टू में हमारा साउंड का वेलोसिटी था वी, राइट, टेम्परेचर था टी, और डेंसिटी जो यूज नहीं हुआ वो क्या था हमारा, रो, राइट। ऐसा दो केसेस लिया मैंने, दो केसेस से दो फॉर्मूला बनाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ऊपर वी रखा नीचे वी नॉट रखा, और हमको आंसर मिला अंडर रूट ऑफ
टी बाई टी नॉट राइट। फिर हमने कुछ एजम्पशंस किया, नीचे हमने एजम्पशन किया कि टी नॉट का चलो आंसर हम लोग एज्यूम करते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस राइट। हमको समझ में आना चाहिए बात। फिर अगर ये टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस है कि टी पे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ज्यादा मतलब ये तो रहेगा साथ में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी आएगा टी राइट, और केल्विन में हमने एज्यूम किया। फिर दोनों वैल्यू वगैरह पुट किया, फिर बीच में हमको मालूम पड़ा कि 1/273 आ रहा है, वो 1/273 को हमने क्या एज्यूम कर दिया? अल्फा राइट। फिर हम लोग आगे आए और यहां पर रूट के जगह पे लिखा द होल रेस टू हाफ, और हाफ का याद है यहां से ये लॉजिक से मैंने प्रॉपर्टी वहां पे यूज किया, और फिर बाद में हमने अल्फा का वैल्यू फिर से पुट कर दिया और वी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब अल्फा का वैल्यू पुट किया है तो हमको आंसर मिला है 2 इनटू जो हमारे पास बाजू में 273 था वो बन गया 546, और वी नॉट का वैल्यू जैसे ही हमने पुट किया 332 और हमको आंसर मिला 0.61। करके देख लो उतना ही मिलता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितने से बढ़ेगा? 0.61 मीटर पर सेकंड। सिंपल। और बोला लास्ट में कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस से कम से अगर आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर तो लीनियर वेरिएशन मिलने वाला। लीनियर वेरिएशन मींस टेम्परेचर बढ़ा उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा, ऑलमोस्ट वैसे राइट, लीनियर ग्राफ मिलने वाला। ओके तो आई थिंक ये प्रॉपरली समझ में आ चुका है। ओके ओके लेट्स स्टार्ट विद एको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। एको के बारे में ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राइट। थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हम लोग एको क्या होता है राइट। एको का मतलब ऑलरेडी सबको पता है, बेसिकली रिपीटेशन ऑफ साउंड राइट। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड होता कैसे बोले वो समझना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है इसलिए क्योंकि वो जो साउंड होता है वो जाके कोई एक ऑब्स्टेकल से राइट स्ट्राइक होके रिटर्न आता है, ऐसा बोल सकते हैं हम राइट। रिपीटेशन ऑफ साउंड बिकॉज, देखो लिखा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिटर्न आ रहा है मीन्स रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड राइट। कोई भी रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है इसको हम बोलते हैं एको राइट। लेकिन आगे देखो ये जो रिजिड सर्फेस है ये कैसा होना चाहिए? ये रिजिड सर्फेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए राइट। एटलीस्ट कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पे वो रिजिड सपोर्ट को होना चाहिए जिसकी वजह से हमको एको सुनाई दे राइट ऐसा। तो बेसिकली एको क्या है? एको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। और कौन सा साउंड? ओरिजिनल साउंड राइट, क्योंकि साउंड तो मल्टीपल टाइम्स आता है। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि एको होता क्या है? एको इज, एको मतलब क्या है? एको मींस रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड राइट। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है इसलिए बिकॉज। और वो रिजिड सरफेस कहाँ है? एट डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ लेक्चर में तो सोर्स ऑफ साउंड कौन है? मैं खुद सोर्स ऑफ साउंड हूँ राइट। तो मुझसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे राइट, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड। कोई गाड़ी जा रही है राइट, कोई समझो कोई कार जा रही है तो कार ने हॉर्न किया तो सोर्स ऑफ साउंड कौन हुआ? कार सोर्स ऑफ साउंड, जो साउंड देता है वो सोर्स ऑफ साउंड। सिंपल। तो रिजिड सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए? सोर्स ऑफ साउंड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए राइट। तो एक बार रिपीट करते हैं कि एको का मतलब क्या है? एको मीन्स रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड राइट। कभी होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट या फिर रिजिड सरफेस बोलो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सरफेस। और ये रिजिड सरफेस कहाँ है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। सिंपल ऐसा। हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिली रीजन पे ज्यादा करके ऐसा सुनाई देता है हमको, कोई समझो जहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह है राइट, पर्वत वगैरह ऐसा। तो हिली रीजन में जब भी हम शाउट करते हैं तो वहां पे हमको एको सुनाई देता है ऐसा, और वहां पे सुनाई देता है। सिंपल। तो इफ वी शाउट इन हिली रीजन वी आर लाइकली टू हियर एको, तो वहां पर हमको एको सुनाई देता है राइट, हिली रीजन में। ये सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। ओके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे। 22 डिग्री सेल्सियस का अगर कोई टेम्परेचर है, कोई मीडियम का टेम्परेचर, समझो एयर हम एज्यूम करते हैं, एयर का अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर जो साउंड ट्रैवल होगा उसमें से जो साउंड ट्रैवल होने वाला है उस साउंड का वेलोसिटी होता है 344 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेंगे सर साउंड का स्पीड चेंज कैसे हो गया? अभी तो हमने थोड़ी देर पहले 332 मीटर पर सेकेंड लिया था, लेकिन भूलो मत 332 मीटर पर सेकेंड कब लिया था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ा दिया है मैंने अब 22 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा है स्पीड बढ़ता है साउंड का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस से मैं आ गया हूँ अभी 22 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ज्यादा टेम्परेचर तो ऑब्वियस है कि इससे ज्यादा तो स्पीड होगा ही। यहाँ पे देखो ज्यादा स्पीड है, प्रूफ वाला पॉइंट का प्रूफ है यहाँ पे राइट। तो अब हमारे पास जो टेम्परेचर है एयर का वो है 22 डिग्री सेल्सियस, और इस एयर के टेम्परेचर जो 22 डिग्री सेल्सियस, इसमें से अगर आपका जो साउंड ट्रैवल होता है तो उसका स्पीड होगा 344 मीटर पर सेकेंड। बात को समझो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मैथमेटिक्स करने वाला हूँ इसलिए। तो अभी तक दो चीज़ हमको, दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, एयर का टेम्परेचर जिसमें से साउंड ट्रैवल होने वाला है वो है 22 डिग्री सेल्सियस, और जो साउंड का वेलोसिटी होगा दैट विल बी 344 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं।
जब भी हम लोग कुछ चीज बोलते हैं या फिर जब भी हमको साउंड सुनाई देता है तो हमारा ब्रेन उस साउंड को सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रख सकता है अपने ब्रेन में, राइट? सिर्फ कितना? 0.1 सेकंड, उससे ज्यादा वो रिटेन कर ही नहीं सकता है साउंड को। बात समझ में आ रही है? हमारा ब्रेन कोई भी साउंड एंड दो, कोई भी साउंड को मैक्स टू मैक्स 0.1 सेकंड तक रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, आवर ब्रेन कैन रिटेन साउंड फॉर 0.1 सेकंड ओनली, राइट, इतना ही सेकंड तक हमारा ब्रेन उस साउंड को रख सकता है और वो साउंड हमको सिर्फ 0.1 सेकंड तक सुनाई देगा। बात समझ में आई? तो तीन नंबर्स मैंने बता दिए। टेम्परेचर जो मीडियम का मैंने बताया, दैट वॉज 22 डिग्री सेल्सियस, उस मीडियम से जो साउंड ट्रैवल होने वाला है उसका वेलोसिटी है 344 मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज मैंने बताया है, राइट, हमको जो साउंड सुनाई देता है हमारा ब्रेन सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए उस चीज को रिटेन करके रख सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर ऐसा है तो अगर हमको डिस्टिंक्ट एको सुनना है, हमको समझो, हमको डिस्टिंक्ट एको का मतलब क्या है, एक एको सुनाई दिया, फिर थोड़ी देर बाद वापस एक एको सुनाई दिया, राइट, मींस एको सुनाई दे रहा है डिस्टिंक्ट, अलग अलग एको, अलग डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट, राइट। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट एको सुनना है, राइट, दस फॉर अस टू हियर डिस्टिंक्ट एको, अलग अलग एको अगर आपको सुनना है तो होना क्या चाहिए, सुनो, साउंड जो है, समझो सोर्स, मैं सोर्स हूं, मैं जब साउंड करता हूं, जब मेरे थ्रोट से साउंड निकलता है, साउंड जाना चाहिए रिजिड सरफेस से, रिजिड सरफेस को स्ट्राइक करना चाहिए, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आना चाहिए, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगना ही चाहिए। बात को समझो, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इतना इजी चीज नहीं है। देखो, अगर हमको डिस्टिंक्ट एको सुनना है, क्या सुनना है, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग एको अगर हमको सुनना है, तो उस टाइम पे क्या क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि साउंड जो सोर्स ऑफ साउंड से जो साउंड निकल रहा है, ये साउंड निकल के रिजिड सरफेस को स्ट्राइक करके रिटर्न आने तक जो टाइम होगा वो टाइम कन्फर्म 0.1 सेकेंड से ज्यादा ही होना चाहिए, राइट। इससे अगर कम का साउंड है, इससे अगर कम टाइम लगता है आपको, तो एको नहीं सुन सकते। कि रीजन बहुत सिंपल है, ब्रेन कितने टाइम तक सिर्फ हमारा जो साउंड है उसको रिटेन कर सकता है, सिर्फ 0.1 सेकंड तक। तो 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना चाहिए साउंड को रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आने में, तो ही हम डिस्टिंक्ट एको सुन सकते, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। बात समझा है? बहुत सिंपल। देखो, दस फॉर अस टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको, अगर हमको अलग अलग एको सुनना है तो क्या करना, क्या होना चाहिए, द साउंड शुड बी शुड टेक मोर देन कितना सेकेंड, 0.1 सेकेंड ज्यादा टाइम लेना चाहिए, राइट, कम नहीं ज्यादा लेना चाहिए, उतना भी नहीं ज्यादा ही लेना चाहिए, राइट। द साउंड मस्ट टेक कितना सेकेंड, मोर देन 0.1 सेकेंड, क्या काम करने के लिए, सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकलना चाहिए, रिजिड सरफेस को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके आके सुनना भी चाहिए। बात समझ में आया? तो हमने देखा अभी तक 0.1 सेकेंड ज्यादा टाइम लेना चाहिए, कब कब सुनो, After starting from source, source sound निकला है, after starting from source, to get reflected, reflect होके आ भी गया, to get reflected and come back to us, बस समझे, source से sound निकला, rigid surface से reflect होके return आया, ये time, ये जो time gap हुआ, ये जो time लगा, ये time कितना होना चाहिए, 0.1 second से ज्यादा, कम हुआ तो echo सुनाई नहीं देगा, इतना हुआ तो भी echo सुनाई नहीं देगा। बात समझाएं? तो एको सिर्फ हमको तब, देखो एक नया चीज हमने यहाँ पे आज सीखा कि हमको एको कब सुनाई देता है, हमको सिर्फ एको तब सुनाई दे सकता है जब साउंड सोर्स से निकलने के बाद, रिजिड सरफेस को स्ट्राइक होने के बाद, सुनने के बाद जो टाइम हुआ हमको, वो टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड से ज्यादा। सिंपल लॉजिक। चलो फिर देखते हैं कि रिजिड, अगर 0.1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगना चाहिए, फिर 0.1 सेकंड के लिए, तो रिजिड सरफेस कितनी दूरी पर रहना चाहिए, राइट। समझो, अभी समझो मैं कोई क्लास में पढ़ा रहा हूँ, राइट, कोई क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो वॉल तो होंगे, वो वॉल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट को एको सुनाई दे, वो निकालते। चलो देखते हैं हम कि समझो एक क्लास चल रहा है, वो क्लास में पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स कुछ बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स को एको कब सुनाई देगा, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं साउंड, मतलब मैथमेटिक्स से देखते हैं कि वो स्टूडेंट को एको कब सुनाई देगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे मेन कंसेप्ट ऐसा है, मेन निकालना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रिजिड वॉल जो है वो कितनी दूर पे होना चाहिए। चलो देखते हैं अभी कितनी दूरी पे अगर वॉल निकालना है, मीन्स हमको डिस्टेंस निकालना है, राइट। डिस्टेंस का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, राइट, बचपन में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल। अब हमारे पास स्पीड तो है साउंड का, साउंड का स्पीड चाहिए ना हमको, साउंड का स्पीड लिया तो है, कहां गया, 344 मीटर पर सेकंड, और टाइम मैंने क्या लिया, सिर्फ 0.1 सेकंड, ना 0.1 सेकंड लेके चलते हैं, ओके 0.1। अब 0.1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट एक स्टेप पीछे आ जाता है, दैट मींस हमको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 34.4 मीटर
इतने डिस्टेंस पे रिजिड वॉल होना चाहिए, राइट, रिजिड सरफेस होना चाहिए, कितना मीटर, 34, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब समझो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुका है, 1 मीटर तो इतना ही तो होता है, 1 मीटर, राइट, इतना तो होता है 1 मीटर ऑलमोस्ट ऐसा, राइट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है 1 मीटर का, ये कितना मीटर है, 34.4 मीटर, मीन्स वो दो रिजिड वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 34.4 मीटर का डिस्टेंस है या फिर उससे ज्यादा जो भी होगा, राइट, ऐसा तो ही जाके तुमको एको सुनाई देगा, नहीं तो एको सुनाई नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल एको सुनाना, राइट। तो यही चीज को मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा इसको जो मैथमेटिक्स था इसको मैंने थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, जरा ध्यान दो, टू बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको, राइट, अगर हमको अलग, अच्छा एक बात जरा समझो, मैं पढ़ा रहा हूं, वॉल तो मेरे दोनों साइड रहेगी ना, ऐसा यहां पे सिर्फ वॉल है और ये खुला, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी क्लासरूम होता है, क्लासरूम तो पूरा पैक होता है ना, तो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, समझो मैं मिडल में खड़ा हूं, और कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों वॉल के बीच में, 34.4 मीटर, तो मुझसे देखो साउंड ऐसा तो नहीं है कि एक दीवार से साउंड आ रहा है, यहां पे जा रहा है सेकंड वॉल पे और स्ट्राइक हो गया, ऐसा थोड़ी हो रहा है, मैं दोनों रिजिड सरफेस के बीच में खड़ा हूं, तो बताओ मेरा डिस्टेंस वो रिजिड सरफेस से कितना है, इसका आधा आधा होएगा ना, सोचो रिजिड सरफेस यहां है और मैं तो मिडल में खड़ा हूं, तो साउंड तो यहां से निकल रहा है ऐसा, तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सिर्फ 17.2 का डिस्टेंस, राइट ना, 17.2 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अच्छा 17.2 का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रिजिड सरफेस को स्ट्राइक करेगा, आके सुनाई देगा, ये टाइम जो है ये टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 ना, ये 0.1 के लिए निकाला, लेकिन मैंने क्या बताया था, 0.1 से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वो जो दो वॉल्स है जो कितने डिस्टेंस पे थे, 34.4 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ उनका, मिनिमम, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो सुना देखा होगा ना, हिली रीजन में क्या बाजू में ही कोई दीवार होता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पूरा खाली होता है, सोच कितना डिस्टेंस, जितना दूर होगा उतना एको सुनाई दे सकता है तुमको, सिंपल लॉजिक, राइट। टू बी एबल टू हियर डिस्टिंक्ट एको क्या होना चाहिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम, देखो वर्ड क्लियर बताया है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम, उससे ज्यादा हुआ चल जाएगा, राइट, एट अ मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द अबाउट डिस्टेंस, इसका आधा, कितना इसका आधा, समझा, आधा का भी लॉजिक है, जब हम बीच में रहे खड़ा ऐसा बोलेंगे ना, तो दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, 34.4 का आधा कर लो पार्ट, ये आधा कितना होगा, 17.2, तो मिनिमम 17.2 मीटर पे आपका एक रिजिड सर्फेस होना चाहिए, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जिससे आपको एको सुनाई दे, राइट, मिनिमम, इससे ज्यादा होगा तो भी सुनाई देगा, सिंपल लॉजिक। एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, एज वेलोसिटी डिपेंड, एक बात और है, वेलोसिटी जो साउंड का वेलोसिटी है ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सोचो अगर उस मीडियम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो तुमको दीवार का जो वॉल होगा उसका डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, तो जाके तुमको एको सुनाई देगा, क्योंकि एको कब सुनाई देता है, एको डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे ना, हाँ, लेकिन पॉइंट सुनो, एज द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो साउंड का वेलोसिटी, जो साउंड जो वेलोसिटी जाएगा स्ट्राइक होके रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये तो वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड करता है, और साउंड का वेलोसिटी हमने देखा है किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो अगर उस मीडियम का टेम्परेचर चेंज होता है तो एको होना थोड़ा अलग होगा, राइट, इसमें अलग अलग डिस्टेंस पे एको हो सकता है, देखो वही लिखा, एज द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, टेम्परेचर एयर, हवा में बात कर रहा हूं ना मैं, ऐसा मेरा साउंड कहां से ट्रैवल कर रहा है, एयर से ट्रैवल कर रहा है, एयर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दिस डिस्टेंस विल चेंज, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है, दिस डिस्टेंस विल चेंज, फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, किसके हिसाब से चेंज करेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो ज्यादा वेलोसिटी तो फटाक से जाके जल्दी आ जाएगा, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो एको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज्यादा का टाइम चाहिए था आपको, तो बात समझ में आया, तो बोलने का सिंपल सा मतलब एक बार फिर से रिकैप हम लोग करते जल्दी, फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि एको क्या है, ये एक रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड है, कब होता है, जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, कहां से रिफ्लेक्ट होके आता है, रिजिड सरफेस, राइट, और रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आता है, रिजिड सरफेस होता है कहां पे, एक डिस्टेंस पे होता है, किससे डिस्टेंस पे होता है, सोर्स ऑफ साउंड से, सिंपल, फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा हिली रीजन में हमको ऑब्वियस ऐसा सुनाई देता है, एको वहां पर सुनाई देता है, फिर थर्ड पॉइंट में कुछ मैथमेटिक्स देखा, 22 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, 344 मीटर पर सेकंड, ये देखा, फिर आगे देखा हमारा ब्रेन सिर्फ कितने टाइम के लिए साउंड को रिटेन कर सकता है, सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए, उससे ज्यादा नहीं, ओके, फिर हमने देखा चलो देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो दो वॉल, वो दो रिजिड सरफेस को रखूं जिससे मैं बीच में रह के अगर पढ़ाई समझो पढ़ाऊं तो उस टाइम पे एको सुनाई दे, तो हमको मालूम पड़ा कि वो दोनों वॉल एक दूसरे से 34.4 के डिस्टेंस से होना चाहिए, लेकिन मुझसे कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 17.2 मिनिमम, राइट, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो भी एको सुनाई देगा। लास्ट पॉइंट ये देखा, टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है साउंड का, इसलिए इस केस में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको डिस्टेंस अलग अलग चेंज करके देखना पड़ेगा, राइट, ओके, थैंक यू।